भी ज्यादा लोगों के करीब 2.25 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी बैंक कर्मी ने सोमवार को देहरादून में विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी स्टेट बैंक की लालडांग शाखा में कैशियर था, जहां से वो निलंबित चल रहा था। वहीं घटना में शामिल रहे दूसरे को आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लालडांग में स्टेट बैंक की एकल शाखा में साल 2018 में यह घोटाला सामने आया था और बैंक प्रबंधक हर्ष तिवारी ने इस संबंध में कैशियर रहे विभोर चंद्र के खिलाफ श्यामपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। बैंक प्रबंधक ने कैशियर को निलंबित करते हुए भेल में कार्यालय में अटैच कर दिया था और इधर आरोपी बैंक कर्मी को बिना साक्ष्य गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया था। बेहद मिलनसार स्वभाव के बैंक कर्मी विभोर चंद्र की करतूत का खुलासा एक ग्राहक के बैंक पहुंचने पर हुआ। दरअसल एक ग्राहक जब अपनी FD तोड़वाने पहुंचा, उस दिन विभोर चंद्र छुट्टी पर थे। वो फिर से बैंक मैनेजर से मिला और बैंक मैनेजर ने पाया कि उस ग्राहक की तो FD ही नहीं थी। संदेह होने पर उसने बैंक के आला अफसरान को जानकारी दी और विभागीय जांच हुई, तब बैंक कर्मी का गबन